चार दिन हो गए बच्ची को ना कुछ खाया है ना पिया है, क्या करे? अब इसको आप पैदल लेके जाओगे? पैदल लेके जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, अब क्या करें? यहाँ से 300 किलोमीटर जाना है। वाहन भी नहीं मिल रहे, खाने को भी लिए राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा भाई, बहुत बड़ी समस्या है। हम बिहार के रहने वाले हैं, अररिया जिला का रहते हैं, जिला हरदोई है और गांव पड़ता है हमारा एजा। सिकंदराबाद ये बदायूं मुरादाबाद बरेली ग्राम निपनिया जिला रामपुर। हम बिहार से पैदल आ रहे हैं और संभल जा रहे हैं पैदल यहाँ से। देश में कम से कम 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर से अकेले बहुत दूर काम करते हैं ताकि वो उनके वो परिवार जो गांव में है वो खाना खा सके। हम लोग किराए पे रह रहे थे, वहां पे मालिक मना कर दिया हम लोगों को। अब हम लोग जो है रोड पे आकर के घूम रहे हैं, ना तो कोई गाड़ी है कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे। सरकार का अभी तक कोई हम लोग को ठिकाना नहीं लगाया है, ना कोई गाड़ी है। ये खर्चा पानी तो पहले से नहीं है, जैसे जेल दंगांगा नहीं हुआ, काम धाम तब से नहीं है। मकान मालिक ने मैंने निकाल दिया, बोले किराया दे तो रहे और नहीं अपने घर जा। मैंने उसे किराया दे दिया, वो 500 रुपये थे मेरी जेब में। अब 3-4 दिन से जब भूख लगी तो ऐसी बिस्कुट खा के टाइम काट रहे हैं, अब भी बिस्कुट मिल गए तो अपने बिस्कुट खाते हुए जा रहे हैं, अपने खाते हुए जा रहे हैं, क्या करें? हमें याद करना बहुत ज़रूरी है कि इस देश की अधिकांश जो जनता है वो असंगठित मजदूर हैं, उन्हें घर बैठ के तनख्वाह कोई नहीं देगा। वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, जब कमा नहीं सकते तो खा नहीं पाएंगे। कुछ ना मिलो है खाने को, गैस वगैरह राशन वगैरह कुछ ना मिलो। अचानक एक दिन अगर उनकी ये स्थिति हो जाए जहाँ उनके पास रोजगार नहीं रहा और भोजन नहीं रहा और ये डर है कि एक बीमारी आ सकती है जो उनकी जान ले सकती है, तो आप उस हालत में होते तो कहाँ जाना चाहते? उस जगह पे जिसे आप घर कहते हैं। लेकिन सरकार ने रातों रात जब ट्रेन बंद कर दिए, बस बंद कर दिए, एक लंबी कतार चलती जा रही है जो लोग कई दिनों तक रातों तक चल रहे हैं ताकि वो अपना घर पहुंच सके। अब क्या करें, ऐसे भी जब भूखा मर ही रहा है तो सोच रहा है कि रास्ते भी मरेगा साले, अब करना क्या है? यहाँ पे क्या करेंगे, पैदल ही चलेंगे अब?